ब्लॉगिंग और यूट्यूब पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की, तब से मुझे एक कैमरा किट और एक अच्छी खासी एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए था, जो मैंने मेरे खून और मेहनत के पसीनों से कमा करके इनको लिया है। अब तो सच बोल दे। सो गाइस, कल था मेरा बर्थडे और 20 साल खत्म होने के बाद आज ही मेरा पहला दिन है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपने 20s को जीऊंगा। वो तो मैं पिछले 2 साल से दिखाते आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे नहीं, वो अलग बात है। इमोशनल होता है। फिलहाल के मेरा कॉलेज पूरा हो गया खत्म, ठीक है, और अभी मुझे कुछ काम है नहीं, प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं है, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत सारे काम है। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस बनानी है, छाना है यार, ड्रिलर और बिजी ब्रेन को अब एक अनदर लेवल पे लेके जाना है, तो वही है मेरा काम अब से, और उसी पे मैं लगे रहूंगा। आप लोग भी मुझे प्यार दिखाओ ढेर सारा, जितने लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है और लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अपने जिम में सब्सक्रिप्शन कराया हूँ, और मेरे आसपास की जिम है, बहुत अच्छी जिम है, एक बार जाके आप लोगों को टूर कराया तो और दिखाया तो आज कैसी कैसी कौन कौन सी एक्सरसाइज करूँगा, और रोज इसी तरह वीडियो बनाते रहूँगा, जस्ट मुझे सपोर्ट करते रहो आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल बर्थडे था तो बहुत मज़ा आया, वो सारी वीडियोज भी एड अप करूँगा, बट फिलहाल के लिए भी चलते हैं जा करके कुछ स्पिरिचुअली और फिजिकली कुछ बनाते हैं खुद को यार। चलो चलते हैं। तो ये मैं पहुंच चुका हूं 10 नंबर रोड पे, ये है हक्कानी मस्जिद। हाँ, मस्जिद के ऊपर है जिम, पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। मैंने भी जब सुना था तो मैं भी हैरान हो गया, मस्जिद के ऊपर जिम कहाँ से आ गई। और ये जिम में खास करके कोई गाना बजाना मतलब होता नहीं है, क्योंकि नीचे मस्जिद है, तो इस वजह से अगर आप लोग को यहाँ पर एडमिशन लेना है तो ये चीज़ आप लोग पहले से जान लो, लेकिन ये है कि जिम A1 है। एंट्री के लिए यहाँ पर आपको रास्ता मिल जाएगा मस्जिद की गली से, और उसके बाद फिर आपको सीढ़ी मिल जाएगी, यहाँ पे चढ़ते रहना आप। यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, यू हैव बर्न 8 कैलोरीज, 9 कैलोरीज, 10 कैलोरीज, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है लोगों तक ये बात बताने के लिए कि 4th फ्लोर पे जिम है, और लेडीज का टाइमिंग भी आप लोग देख सकते हो। सो यस गाइज, प्री वर्कआउट चेकआउट, बॉडी देख लो मेरी, पंपअप नहीं हुई अभी, फिलहाल के लिए मैं करूँगा कार्डियो, और आप लोग को मैं जिम दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ से देखो, यहाँ पे आप लोगों को 4th फ्लोर से आधी गोंडी दिख जाएगी, और यहाँ से आप लोग देख सकोगे पूरी मशीन्स है यहाँ पे, एक अच्छी जिम है, मतलब वेल क्लास जिम है। और आज मैं मारूंगा लेग, आज लेग डे है मेरा, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कार्डियो ख़त्म करने के बाद मैं कर रहा हूँ साइकिलिंग। यस, साइकिलिंग, बोला ना मैंने कि आज लेग डे है, तो साइकिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा आज मेरे लिए। और अब हम यूज़ करेंगे माउंट पैडल मशीन। यहाँ पे भी पहले बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे हम चालू कर देंगे सर तो चूज़ प्रोग्राम बताएगा ये, फिर यहाँ पर हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा प्रोग्राम लेना है, और उसके बाद फिर उसी हिसाब से हम लोग मोड चेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँगा 3rd मोड पे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। चलो, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब लेग्स मारते वक्त ये वाली मशीन बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है दोस्तों, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है अब, बट देन ऑल्सो आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ माई एंथुजियाज्म। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है, चेस्ट डे,
लेग्स डे या बाइसेप्स कब सबसे ज्यादा आपको पेन होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता कर जाना, ठीक है। तो दोस्तों जिम से आने के बाद डाइट पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि आफ्टर वर्कआउट मैं खा रहा हूँ खीरा और खजूर। इसमें वो विटामिन और प्रोटीन्स है जो आपकी बॉडी में से फैट कम करते हैं और मसल्स, हमारे जो मसल्स होते हैं और खून की जो सर्कुलेशन होती है उसको बढ़ाता है। नो मैटर आप मोटे हो मतलब फैट हो ज़्यादा, तो आपके बदन में से चर्बी कम करेगा और मसल्स को पंप अप करेगा और साथ ही साथ वेट को भी लेवलाइज कर देगा। और आप पतले भी हो अगर तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ज़्यादा कंज्यूम करो और वर्कआउट भी मिनिमम करो। लेकिन अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो इसको थोड़ा कम कंज्यूम करो, मतलब दिन में आप एक ही बार खाओ इसे, 4 खजूर और 1 खीरा। और अगर आप पतले हो तो 4 खजूर नहीं 8 खजूर और 2 खीरा खाओ, मतलब 2 टाइम खाओ उस चीज़ को। तो ये है मतलब कुछ मैं जानता हूँ जहाँ तक के, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ओके। A few moments later. तो ये है फैजा, मैंने उसको आज ऐसा बना दिया, इधर आओ। फैजा नाश तो बड़ा नहीं बन गया, अरे बाप रे बाप, कराटे सिखा रहा मेरे को तू, ये लग रहा है कोई बड़ा आदमी है। कितने साल का फैजान? 18 साल का हो गया? 8 साल का है तू। इसका लुक क्या फैजान मेरा बेचिया। तो ये है फैजान, इधर आजा बेटा। मैंने फैजान को दाढ़ी मुच्छी उगवा दिया, मेरे तरह लग रहा है तू। हाँ जानू बेटा, आप कहाँ आ गए बेटा? फैजान आप तो मेरे से ही बड़े दिख रहे हो। अल्लाह चुमा गिल्ले, नहीं 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 नहीं, देख अपने को बेटो में पूरी मुट्ठी दाढ़ी। चलो ठीक है, जब बाजी को दिखाओ, सबको दिखाओ, अब्बा को दिखाओ, अभी नहीं बाद में। सो यस गाइस, तो अब आप लोग देख लो कि किस तरीके से मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। ये है मेरा केक, हसनैन एंड ट्रिलर, जो कि मैं ही हूँ। सभी बच्चे लोग अपने अपने मस्ती में खेल रहे थे, मैंने केक काटा, फिर उसके बाद फिर मैंने आपस में कुछ बातें की और फिर सबको केक खिलाया। एट लास्ट गुलफाम भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस किया कि इसी तरह काम में लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, लंबी उम्र अल्लाह अता करे और तुम्हें बहुत सारी ढेर सारी सक्सेस अता करे, और ना जाने किसकी दुआ कब लग जाए, तो भाई ने दुआ की इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी। फिर कुछ ही देर में होती है गुड्डू भैया की एंट्री। क्या चाहिए? मुझे केक चाहिए। केक चाहिए? अरे अंदर रखा हुआ ना, रहने देना। उधर नहीं है बड्डे, इधर है। मालूम था, और से कॉमेडी। उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी मंगनी हो रही है, मैं बैठा हूँ दूल्हे जैसा, सब आकर के मुझसे हाथ मिला के जा रहे। The next day. और फिर अगले दिन मुझे मिला सरप्राइज। मैं हूँ डो, मैं हूँ गुलफाम। ए मुनी आ रहा है हसनैन का। वो बैठे एक मिनट। बर्थडे बर्थडे हैप्पी। ये क्या? जन्मदिन आपको मुबारक हो सर। क्या लाया भाई? आप बैठिए ना भाई। क्या होगा? अरे गैस 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 डब्बा डॉल डॉल। अरे यार गैस कर पहले। आईफोन तो होगा नहीं। देख भाई एक बात बोलू, देख गिफ्ट तेरा है, काम मेरा है, केतली वेतली भी हो सकती, सोच ले। फिर इसी एंथुसियाज्म में मैंने गिफ्ट खोलना चालू कर दिया और मुझे लग ही रहा था कि कैमरा ही है। इतनी खुशी मुझे आज तक। ट्रेलर ट्रेलर अब्बा भी अब्बा ही। अच्छा इधर देख के बताओ रिएक्शन कैसा, अनएक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्ट था? कुछ कुछ एक्सपेक्ट नहीं था। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार कोई भी गिफ्ट दिया है, कोई मतलब घर वाले दिए, मेरे को पहली बार गिफ्ट मिला है, हकीकत बताऊं। और घर वालों ने दिया तो क्या एक्सपेक्टेशन से बढ़ के, बहुत बढ़ के था,
बहुत बढ़िया। ये क्या था? ये क्या बात कर रहा है? ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लेकिन ना? लेकिन तो एडिटिंग किसे करेगा गुलफाम हसनैन? हसनैन? लैपटॉप लैपटॉप ओह लैपटॉप ये क्या है? लैपटॉप ये लीजिए। शुरू करिए। लैपटॉप है क्या? पीसी है? लैपटॉप ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। पीसी भी हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई तू लैपटॉप खोल के देख, लैपटॉप खोल के देख। फुल पोर्टेबल, इतना एडवांस है ये, इतना एडवांस है कि हर चीज कर लेगा। एआई भी पूरा हर चीज, एडिटिंग से लेके ग्राफिक्स से लेके। अब बोल रैम। ओ भाई, अब बना वीडियो, जो करने का कर। फिर मेरी खुशी जब थोड़ी ज़मीन पे आई तो मैंने ग्राउंड लेवल पर आकर के कैमरा को देखना चालू कर दिया कि कैसी फ़ोटोज़ आती है, कैसी वीडियोस बनेगी और किस तरीके से हम इसको एडिट कर पाएंगे चीज़ों को। सो यस गाइस, ये थी मेरी खुशी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोग भी मेरे साथ खुश हुए होंगे आई थिंक। अगर हुए होंगे तो फिर प्लीज़ लाइक करते हुए जाना और कॉमेंट करते हुए जाना प्यारे प्यारे। ओके, सो गाइस, वो मेरे ड्रीम गैजेट्स जो मुझे हमेशा से चाहिए थे, जब से मैंने व्लॉगिंग और यूट्यूब पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की तब से मुझे एक कैमरा किट और एक अच्छी खासी एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए था, जो मैंने मेरे खून और मेहनत के पसीनों से कमा करके इनको लिया है। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। जोक्स अपार्ट गाइज, ये सारे गिफ्ट्स मुझे मेरे भाई ने दिए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम भाई फॉर दिस गिफ्ट्स। इंशाल्लाह आई विल आल्सो गिफ्ट यू समथिंग मोर प्रीशियस देन दिस वन डे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले हैं मेरे बर्थडे पे। सबसे पहले है निकॉन Z30, इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मैं आप लोगों तक जल्दी पहुंचा दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप लोग देख लो कि इसके साथ अभी मिलेगा एक किट 64GB के मेमोरी कार्ड के साथ और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के साथ, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे देखो। और ये सबसे मेन चीज़ तो कैमरा है, आपको बस मैं कैमरा दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये है वो कैमरा, ठीक है, आप लोग इसको ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो। आई थिंक समवेयर अराउंड 55 और 60,000 के बीच में है, बट हमें ये किट जो है, मैंने जब बिल पे देखा, ये मुझे इन लोग बता तो नहीं रहे थे कितने का प्रोडक्ट है, जब मैंने किट पे देखा तो समवेयर अराउंड 78,000 कुछ था। तो ये जो चीज़ है ये 78,000 तक इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि इसके जो लेंसेज होते हैं, मतलब कैमरे की जो आँख होती है, वो बहुत महंगी होती है। तो भाई ने दो लेंस लिया कैमरे के लिए, ये आउटडोर शूटिंग के लिए होता है और एक छोटा वाला लेंस है वो इंडोर शूटिंग के लिए, जो मैं इसी वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि एजुकेशन वाली बिजी ब्रेन पे आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे चैनल को भी एक बार एक्सप्लोर कर लो आप लोग और शेयर भी कर देना। तो वहाँ पे मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ तो इसलिए मैं उन छोटे लेंसेज को यूज़ करूँगा। और बाहर जैसे कि वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि मैंने एक बार लेडीज़ बैग गिव अवे किया था, मतलब गिफ्ट किया था, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, तो उन वीडियोस के लिए ये सारे लेंसेज यूज़ होंगे। तो बहुत जल्द वैसी वीडियोस भी आने लगेगी, अब आप लोग सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। ओके, एंड दोस्तों दूसरा गिफ्ट मुझे मिला है Asus A15 TUF गेमिंग लैपटॉप। मुझे गेमिंग लैपटॉप की ज़रूरत थी जिसमें ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हो ताकि मैं एडिटिंग को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाऊँ, तो ये इसीलिए मुझे मिला है। तो ये लैपटॉप आप लोगों को मैं दिखा दूँ, बहुत भारी लैपटॉप है, 16GB रैम है इसमें और इसकी प्राइस भी समवेयर अराउंड 80,000 रुपीज़ है। 80,000 के लैपटॉप है, 80,000 के। तो ये है वो लैपटॉप, सो यस दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये क्या स्मूथ दिखता है यार, ये क्या प्यारा दिखता है। Asus ड्रिलर, सब्सक्राइब टू माई चैनल दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब। ओके, ये है देख सकते हो आप लोग, यही है हमारा एडिटिंग का सोर्स। अभी ये अब से यही होगा, एक हमारा कैमरा और दूसरा ये। सो यस गाइस, मैं दिख रहा हूँ। ओके
सो यस गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, खुदा हाफिज़। के मान शब्बा खैर, मिलता होगा किसी नई वीडियो में। अब से जो नई वीडियो आएगी वो वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी और बहुत मस्त जो भी होगी अच्छी होगी, एक नंबर क्वालिटी कंटेंट होगा। ठीक है, तो बस ये आखिरी वीडियो था ये फ़ोन से, चलो चलता हूँ।